हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज वापस से सबसे पहले मैं उठ गया हूँ, बाकी सब लोग सो रहे हैं और उठते ही मुझे लग चुकी है भूख। खुद के लिए कॉफी बनाता हूँ, बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं तो सो गया था। ये लोग खूब मस्ती कर रहे थे रात भर। इन लोगों ने अपनी अलग पलटन बना ली थी यशी के रूम में और उधम चल रहा था, पत्ते खेल रहे थे ये लोग, तो ये तो मस्ती कर रहे थे, तो मुझे पता है जल्दी से नहीं उठने वाले। मैं अपना दूध रेडी करता हूँ, अभी कॉफी पी रहा हूँ क्योंकि मुझे वर्कआउट करने भी जाना है, नहीं तो मैं प्रोटीन शेक बना के पीता, वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक बनाऊंगा। और आप में से जिनके भी एग्जाम्स चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी जिन लोग के अब आगे हैं एग्जाम्स, उनको ऑल द बेस्ट, गुड लक। वैसे यार एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं तो ये वैलेंटाइन वीक वगैरह का प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा है, स्किप कर रखा है या छोटे मोटे टाइम निकाल के बना रहे हो, क्या सीन है गाइस, कमेंट कर देना। वैसे तो मुझे पता है इस बारे में तो कमेंट करोगे नहीं, कमेंट तो कोई भी पढ़ लेगा वरना आपके। ब्रेकफास्ट डन दोस्तों, अभी चलते हैं वर्कआउट करने के लिए। ये एरिया एकदम सन्नाटा है क्योंकि यहाँ सब सो रहे हैं। जस्ट अभी वर्कआउट करके आया दोस्तों, मजा आ गया वर्कआउट करने में। बस यहाँ नीचे वाले जिम में ये प्रॉब्लम है, वेट ज्यादा नहीं होते तो कुछ खास एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि मेरा शरीर थक जाए, जो कि हो चुका है। अभी प्रोटीन बनाते हैं अपना, एक स्कूप प्रोटीन पीता हूँ आफ्टर वर्कआउट। भाई इसके पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कहाँ जाके आया सुबह सुबह। कहाँ जाके आया सुबह सुबह? कुछ नहीं यार, ऐसे ही थोड़ा बहुत क्या, पर्सनल मीटिंग्स। पर्सनल मीटिंग की? प्रपोज़ डे बना के यार। एक्चुअली क्या है, अब जिस टाइम तक तू उठती है, जिस टाइम तक तू क्या उठती है, मैंने तेरे को फोन किया था, उठ गई थी मैं। अरे हाँ हाँ ठीक है, पर तू कहाँ गया था पहले मुझे ये बता, प्रपोज डे के दिन तू कहाँ गया भाई? कल भी गया था। हसमत भाई मामला गड़बड़ है इसका, जल्दी उठने का मोटिवेशन कहाँ से आया होगा पता मुझे। बता वहाँ अपना मुँह काला करके आया, बता। मैं कहीं जाऊंगा यार, मस्टैंग लेके गया था कहीं जाए और मैं शक भी ना करूं। तू तो चला गया क्या, तू दिया है रोज? भाई भाई क्या कर रहा है? मेरे को तो नहीं जान उसका, आपने उठाया, मैं सोच रहा था सुबह उठेंगे जिम में जाएंगे। कहाँ गया था पहले तो ये बता। अरे कुछ काम से गया था। कहाँ? दोस्त के मुझे वो सब नहीं पता, कहाँ गया था मुझे ये बता। बताऊंगा बाद में, बताऊंगा अभी बता। ही मत कर, कम बोला कर भाई, ये काला करा के आया अपना मुंह कहीं, भगवान जाने कहा। आपको पता है सुबह भी गए थे कल? आपको तो पता ही होगा, जब आप सो रहे थे तब तो आप भी गए थे सुबह। कल सुबह कहाँ गया था? फोन आ रहा तेरा। दोस्तों देखो तारक मेहता देखते देखते पराठे पराठे चेप रहा है। हाँ भाई टीपू डाइटिंग। पता क्या बोले भाई, आज से मैं डाइटिंग नहीं करूंगा। ऐसे नहीं बोला, मैंने कहा अभी खा ले तुम खाना, रोटी खा ले तुम, रात को ऐसे नहीं खाऊंगा तो दिन में एक बार रात को नहीं खाऊंगा। यार जब नहीं कर रहा तो फिर मजे करना, फिर ये शरीर को दुख क्यों दे रहा है? मुझे मजे नहीं, मतलब जैसे थोड़ा बहुत तो यार डाइट करनी चाहिए ना चीजों को यार, मतलब हेल्दी खाना, कम वो शुगर फ्री हो जाना, मतलब ये जैसे ढूंढता है ना कि हेल्दी में क्या है, तो फिर उसको कुछ नहीं मिलता किचन के अंदर, फिर घूम फिर के खा लो फिर तो। फिर मतलब के पराठे, हाँ लहसुन की चटनी, नमकीन और क्या है, नमकीन से मजे मजे टिपुया। मजे से ऊपर हो चुका है हमारा व्लॉग, लाइव हो चुका है। परांठे खाते परांठे। तूने प्रपोज नहीं करा अभी तक ना, रोज पहुंचा कल से यही बोल रहा है, ये व्लॉग चला जाएगा, अगला व्लॉग चला जाएगा। कल कौन सा डे है? चॉकलेट डे। कल चॉकलेट डे है, चॉकलेट और अभी बना के आया तो। सुन एक काम करना, स्कीम बता, तू मेरे को चॉकलेट ला के देना, फिर मैं तो खाती नहीं, तू ही खा लेना। मैं भी नहीं खा रहा, मैं तो डाइट पे हूं। तो इतने में खा लेती हूं। मैं भी नहीं खा रहा, मैं भी डाइट पे हूं, लेकिन उसको दे दूंगा। तुझे और चॉकलेट ला के दूंगा, जब तक तू सुबह उठेगी तब तक तो मैं बांटूंगा। यार सुनना यार, यार ये किसने बनाया, इन्वेंटर कौन है इनका, वैलेंटाइन वीक का है? पता नहीं इसीलिए मैं जा रहा था अंग्रेजों से पूछने के लिए, बता तू तेरे दोनों बनाएगी सर। नन्नू भैया है ना, उनकी एनिवर्सरी आती है 14 फरवरी को। वाह यार, 14 फरवरी को शादी करा दी वैलेंटाइन डे भी। बोल ये सही है यार, आपको किसने बताया? पता ही चले तो बताया था, पता ही चले किसी को एनिवर्सरी भूल ही नहीं सकते वो तो, फिर तो बोले वैलेंटाइन डे याद ही रहता सबको, 14 को आता है। इसी बहाने वैलेंटाइन डे भी हो गया और एनिवर्सरी भी हो गई, एक साथ हो गई दोनों चीजें। तू भी ऐसी कोई डेट रखी हो कि तेरा तो भरोसा नहीं कंजूस। 31 दिसंबर न्यू ईयर भी एक साथ रहेंगे।
सही है यार, मुझे ना लगता है न्यू ईयर की नहीं अलग ही, मेरे को ना न्यू ईयर में बड़ा मजा आता है। मजा तो कमेंट पढ़ता हूँ, देखें लोगों के वैलेंटाइन डे कैसे बन रहे हैं। अभी गाइस बनी ने कमेंट करा है, भैया सही है सेकंड डे प्रपोज हो जाता है, प्रपोज डे हो जाता है, दूसरे दिन ही रिजेक्ट, आगे का खर्चा ही पूरा बच गया। ये सही था, ये तो सही है, ये सही है, ये बहुत सही सीन है। अब समझ में आ गया प्रपोज डे क्यों रखा है। आगे सुन रोज दिया, एक दिन रुके पहले रुके, अगले दिन प्रपोज किया, उसके बाद छट गई ऑडियंस। लोग छट गए, चॉकलेट टेडी वेडी देना नहीं देना सब चीज़ ये किसको दे रहा है वो डिसाइड हो जाएगा है। हाँ, कौन किसके किस्मत में है ये वैलेंटाइन वीक, वो दूसरे दिन ही डिसाइड हो जाता है। ये सही है एकदम। क्या अलग अलग होते हैं क्या लोग अलग अलग दिन? देखो देखो क्या बोल रहे, एक फूल ले जाऊंगे इसमें से। हाँ तो सारे ही ले जाओ, सारे ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बड़ा 40 का, मैं आज 20 का ले लेता हूँ। भाई नीचे दुकान लगा के बैठे थे सारे, 10 के 10 के 10 के तीन चार लेके जा। नहीं विश्वास नहीं होगा कि ये लिया इतने फूल। जब तक लोग तो खेत चला गया ना यार, उसे ऐसे देखा नहीं होगा अभी तक, लेकिन वो देख लेगी तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा ले जाओ फूल, नहीं बाहर से ले लूंगा। हाँ ठीक है, इसमें बाहर से बोल दो फिर ले जाए। चलो ठीक है, क्या बोले, कट कर दे, एक सही वाला निकाल लेता हूँ। सुनो आप है ना, ये 70 फूल का था ना, इसमें से 20 फूल का ले जाओ बना के। सूरज भैया आप बहुत पतले हो गए हो गाइस, डाइटिंग का सर है। मुझे भी हर कोई कह रहा है कि मैं पतली हो गई हूँ। तू तो हो गई वैसे कमजोर, वो कमजोर है। कमजोर कमजोर नहीं हुई, मसल ग्रो हो रही है मेरी, साले जलता है। भाई भालू, हर कोई मुझे ये बोल रहा है कि मैं पतली हो गई हूँ। मुंह भी पतला हो गया है। तू मुंह तो हुआ, मुंह तो मैं नहीं हुआ, हल्का सा ही हुआ है, लेकिन अभी मैं अंडे में से थोड़ी सी पॉश्ड एग बनी हूँ। अभी मेरे को ऑमलेट बनने में टाइम है। अच्छा गाइस, जो बार बार आपको हमारे नेम से कमेंट करते हैं ना, टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ, फेक चैनल से कभी भी हम लोग ऐसे मैसेज नहीं करेंगे आपको कमेंट पे रिप्लाई करके, आ जाओ हमारे चैनल पे। वीक कपल्स के लिए कितना स्ट्रेसफुल हो जाता होगा ना, क्यों रोज डे टाइम से दो, कैसे प्लान करो, प्रपोज को थोड़ी रहता है कि यार ऐसा यार। फिर भी यार जिस हिसाब से भाई माल बिक रहा है बहुत सारे, और पता है क्या मेरे को एक चीज थोड़ी हैरानी वाली हुई, वहाँ पे लड़कियां बहुत ज्यादा थी। हाँ, लड़के पता है कल हम वहाँ खड़े थे ना, सिर्फ लड़कियां लेके जा रही थी रोज, ये क्या सीन चल रहा है। लड़की हम ऐसे वहां खड़े थे, मैंने कहा यार इस हिसाब से लड़कियां लगी रोज, पहले तो लड़के पीछे भागते रहते थे यार। मेरे इस साल से ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड चेंज हो गया। अरे भाई लड़के वो हो गए, बोला कोई मतलब नहीं है, लड़के कंजूस हो गए, कंजूस कंजूस क्या कंजूस। और तुम लोगों ने क्या बनवाया? मैंने तो कुछ भी नहीं बनवाया। फिर खाया क्या? मम्मी को की खिचड़ी खा गया। खिचड़ी खाई तूने? ये देख रहा हूँ कि मैं क्या खाऊं। गाइस कल मेरे को पैकेट मिला काई का, प्रोटीन के पैकेट सैंपल्स आए थे मेरे पास, वो पड़े हैं, मुझे पता ही नहीं था। क्या? गाइस एक कमेंट था कि वो पूछ रहे थे, मैं नाम भूल गया उनका, कि ये शीट्स आपने कहाँ से ली? तो जो भी स्टोर्स ना ये गैजेट्स वाला सामान रखती है ना टीपू, कैमरा इक्विपमेंट्स वगैरह जो रखते हैं ना, उनके पास ये अवेलेबल हो जाता है, या फिर वो करवा देंगे आपको। तो अगर आपको इन केस आपके घर में लगवाना है तो कैमरा इक्विपमेंट वाले जो लोग होते हैं उनके पास जाके एक बार ट्राई करना। मेरे को स्पॉटलाइट चाहिए, वो 50,000 की आती है। हाँ यार एक इन्होंने स्पॉटलाइट सेलेक्ट करी, तो उन्होंने एक लाइट है 60,000 रुपए की, 60,000 के आसपास की है। हाँ उसमें बहुत सारे वेरिएंट वगैरह भी है, मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं। स्टार के ऊपर एकदम ऐसे गोल सी स्पॉटलाइट आती है, वो वाली लाइट चाहिए इनको। वो जो आपकी जो फोटो जो थी मुंबई वाली फोटो में खिंचवा के आया था, तब से ऐसा होगा कि मैंने कहा वो तो लाइट चाहिए। और माता जी क्या चल रहा है? बस बढ़िया, मौसी से बात आ रही थी। चलो ठीक है, कॉल पे लग रही है अभी। ये तो चाय किसके लिए बना रही हो? चाय तुम पी लो। नहीं नहीं तैसे पूछा, लेबर्स के लिए दे दे। चलो बढ़िया। अच्छा हमारे घर में ना जब भी चाय वगैरह कुछ ही बनती है तो मम्मी सबको बांट के आती है, पूरे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं ना, मतलब समोसा भी आता है ना, तो खुद के लिए नहीं मंगाती, सबके लिए मंगाती है, पूरे जितने लेबर है ना कम से कम 40-50 समोसा तो खिला चुकी है सबको। बढ़िया है ना, खुद खा लो, खुद का पेट में क्या है, सब खाते हैं तो बढ़िया ही रहता है ना सबका, मन होना चाहिए सबके साथ में, अच्छा करना चाहिए। वेरी गुड, इससे पता चलता है आप मेरी मम्मी हो। आप खुश हो? चिमनी का भाई करता रहेगा, रह रही है अभी, किचन का सामान रह रहा है, सोने से इसको पंचायती करने से टाइम मिलेगा तो करना। इससे पूछना है कितने बजे उठता है सुबह, और मैं कितने बजे उठता हूँ? मैं 7:30 बजे उठता हूँ। 7:30 इसकी शक्ल देखिए, तो सोता कितने बजे भाई तू? हैं जल्दी सो, मैं तो सो जाता हूँ जल्दी, सो दो दिन ही हुए, देखते कितने दिन फॉलो। हाँ चल ठीक है, चल निकल, ये मेरी शिकायतें करने आते हैं, इनको लाऊंगा नहीं आगे।
बर्फ खाऊंगा मैं। खा बर्फ, खा खूब खा, पेट भर के खा। मैंने भर के रखा यार, उसे निकली नहीं मेरे से यहाँ से। आज निकाल के देखो, इसे मैंने दबा दी, मैंने सोचा कि दबाने से निकल जाएगा। इसको दबाएगा ना जब। अच्छा, अरे वो, अरे वो कर दिया चला रे बेफू। चाय में डाल दूंगा गरम। गोला चाय इतने पहले इसको प्रसाद खिलाओ, प्रसाद का ये मीठा नहीं खाता बिल्कुल भी। देखना देखना कितना भगवान का प्रसाद। तो आप इतनी दूर जाए पैदल पैदल? वो कई बार जाती है तो छत डली थी तो पैदल चले गई। अबे अपने पैदल जाना, पैदल क्या बोलते हैं वो वाले गणेश जी के मंदिर मोती डूंगरी, तो वो भी दूर है। हाँ तो वही तो पैदल जाती है। किसके साथ गए थे? अकेले? दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स हैं इनके, फ्रेंड्स का ग्रुप है भाई। हल्के में ले रहा थी कि तू फ्रेंड्स का ग्रुप है इनका। तभी पतले मैं तो ना पैदल चली भी जाती हूँ, पैदल आ भी जाती हूँ गणेश जी के मंदिर से। वहां से पैदल भी आते हैं? सूरज गाड़ी में डालने में सके। तो मेरी गाड़ी में जा रही है क्या? पैक की पैक। आप यूज तो करते हो नहीं वैसे भी, कितने दिन हो गए। ये तो भाई अपनी गाड़ी में डाली। पापा नहीं यूज करी है? पापा के पापा ही तो करे। दर्द होता है इधर थाई में। अच्छा, बोले इधर का कुछ हो तो मंगवा, अंकल का बर्थडे पे लाएंगे उनके लिए। हाथ वाली मसाज, हाथ वाली मसाज। हां वही लाते हैं जो अपने लिए बैठे बैठे। अरे वो ठीक है, वो बेस्ट है। तो इसको खोली भी आपने, यूज भी करी है? अरे कर रहे हैं, तीन चार दिन हो गए करते करते। तूने करी है? अरे भाई इसको अपने लेकर चलते हैं, इनको तो दूसरा मसाज ला देंगे। अरे ला देंगे दो चार दिन। नहीं 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 नहीं, अरे फुटबॉल खेलने जाता है ना, इसके पांव में दर्द होता है इसलिए। तो यहीं लगा के देख तो सही। थोड़े दिन हम भी लगा के देखते हैं, फिर देखते हैं आपको देना ही नहीं। तो पहले यहाँ से देख लो ना लगा के। नहीं नहीं यहाँ से नहीं। देख लो यार, गाय देख लो भाई, गिफ्ट देने के बाद गाय देख लो। क्या देख ले गाइस? गिफ्ट देने के बाद हम कोई गिफ्ट लेता है क्या वापस? हाँ लेते ना हम। लेते जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि घर आएगा तो क्या करेगा। सी बहाने ढूंढ रहा था ना जी, मैं देख रहा था बहाने को ढूंढ रहा है ऊपर जाने की। मेरा रूम देख के आता हूँ क्या हो गया, फिर बोलता है मैं अपनी छत देख के आता हूँ कि क्या हो गया, फिर बोलता है अरे यार पतंग उड़ रही तो चल पतंग उड़ा ले थोड़ी बहुत। बोले ना साले कब तक उड़ाएगा पतंग? अरे बस एक ही लंबी देगी, यहीं से कटवा रहा हूँ। अच्छा, इसको चलाना नहीं आता मम्मी कैमरा। इसको तो सिर्फ है ना रोज डे और प्रपोज डे बनवा लो, इससे वैलेंटाइन डे बनाने जा रहा है। वैलेंटाइन डे बनाने जा रहा है, लड़कियों से फोन पे लगा रहता है बस सारा दिन। कौन? हितेश। भाई मम्मी भी जानती है तेरा सारा सच, मैंने बता रखी है। लड़कियों के लिए बात करने के लिए टाइम है और हमारे लिए एक फोन उठाने के लिए टाइम नहीं। फोन नहीं उठा था आपका फोन? भाई बताओ कब करती है आंटी फोन? आंटी करेगी सुबह 7:30 बजे 8 बजे। भाई कुछ भी नहीं करती 7:30 8 बजे। अरे भाई मुझे करती है सिर्फ। तू मुंबई गया उसे मुझे किया 7:30 8 बजे शूट। हाँ कर लिया, पतंग तो नहीं उड़ाई लेकिन मैंने। अरे यार 2 मिनट छत पे चला गया। 2 मिनट छत पे क्यों गया तू मुझे समझा? नहीं सुना, 2 मिनट बंद हो गई। 2 घंटे को 2 मिनट बोलते हो, 120 मिनट को 2 मिनट। तू कहाँ गया था? कहाँ गया था? पागल बना रहा है। जब मैं वीडियो शूट करने लगी थी ना तब इनका वीडियो कॉल आया था, स्टार्ट किया था मैंने। चला गया था उसके बाद तो ये 1.5 घंटा तो मैंने वीडियो शूट किया है। अरे तो आना जाना हो गया भाई, सुधार ले अपनी हरकतें, सुधार ले। तू बड़ा हो गया अब, तू बच्चा नहीं है अपना। अपना काम कर रहा हूँ। उसको कोई सही बोलता है तो फिर इसकी आंखें ऐसे बजाती है। हमने अभी मार रहा है तो बोल मत। भाई लड़की पे चल उधर, चल चल जिम के लिए रेडी हो। चल मैं रेडी हूं ऑलरेडी, देख नहीं रही क्या तुझे? सुबह जाया था जिम। ये जिम नहीं जाएगा? अरे सुबह उठ जाता है, मैं 7:30 बजे आया ना, उठा हुआ था सारा, वो एडिट कर रहा था कुछ, फिर उसका जिम चला था। एक एक प्रॉब्लम हो गई इधर तो। क्या किया तूने? गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? मेरे पर्स में अचानक से मुझे ये मिला। 2000 लेकिन मेरे पर्स में से मिला मुझे। लो भैया 2000 बस। ये तो बेचारा था, मुझे लगा सितंबर में। अब तो गाइस बहाने आएंगे, बैंक की फोटो भेज दूंगा भाई साहब, चेंज ही नहीं हो रहा। खोल लिए पैसे की ये वो है, कौन से पैसे? 2 नंबर वाले यार। 2000 पार्टी करने चलेंगे, 2000 रुपए सब जगह चलते हैं आजकल। अरे मैं चल जाऊंगा समझ। अरे मैं चल जाऊंगा समझ। की तरफ देख लो, गर्मी हो रही है देखो। और चेक कर लो और पड़े हो तो। अभी तो एक ही था, वो भी दिख गया मुझे अचानक से। यार जल्दी कर ले सूरज, यार जिम चलना है, मान जा। तेरी ब्रेड पड़ी है। मेरी ब्रेड होगी तो तेरे को क्या दिक्कत है? खा ले जल्दी, तकलीफ मत मारना, नहीं पेट दूंगी। गाइस आज हम हितेश जी से ब्रेड सिखवा रहे हैं। यस गाइस मैं क्या बताऊं, आज मेरे को हितेश ने इतनी भयंकर एक्सरसाइज कराई है, मतलब मैं लिटरली आंखों के सामने तो मेरे अंधेरा आ गया था, तारे चमक गए थे और मेरे को लग रहा था मुझे उल्टी हो जाएगी, इतनी भयंकर मतलब इन्होंने मुझे एक्सरसाइज कराई। उल्टी हुई नहीं बट ऐसा हो गया था मेरे की। आज स्टार्टिंग हुई थी प्रॉपर तरीके से भाई। आज इन्होंने मेरे को भानू, मैं एक स्क्वाड मार के आऊं, दूसरी स्क्वाड, दूसरी तरीके की स्क्वाड बता दे, फिर इधर बैठ रहे थे, फिर बोले स्क्वाड मारो, भाई मेरी जान निकाल दी। ये क्या, खुद तो कर नहीं रहा था
खुद से तो होती नहीं है, बस बोल दिया इसने कि वो जाके कर ली और आप कर भी ली, आप पागल हो गई थी। क्यों पागल भाई, एक्सरसाइज सही एक्सरसाइज करवाई है? किया कभी जिंदगी में एक्सरसाइज? क्यों नहीं करी इतनी तूने मारी के लेग? अरे भाई तुम्हें पता नहीं मेरी एक्सरसाइज? अभी नहीं पता, जब ही तो बोल रहे हैं हम, तो बताऊंगा फिर कभी। कभी नहीं बता पाएगा तू, कभी आना हवेली, कभी नहीं बता पाएगा। देख ली हवेली पे, हवेली पे आना तो जाएगा, लेग्स लगाएगा, पता है दो स्क्वाट करेगा, दो मिनट बाद साइड में बैठ जाएगा। अब देखो बात चेंज कर दी, बात चेंज नहीं किया भाई, ब्रेड जली थी। इतने ना इसकी रिकॉर्डिंग ही निकालूंगा गाइस, कैमरा गार्ड साहब से बात करके। वाह जिम की ना, जिम की देख। अरे भाई पट्टी पे निकालते, तू क्या कर रहा है ये बदतमीजी? इधर यार एक ब्रेड सेक दो यार, एक ब्रेड सेक दो, ब्रेड सेक। क्यों भाई जल्दी सेको जल्दी, मैंने तो कभी ऐसे नहीं किया। हां तो नीकी तो फीका बना, फीका ब्रेड तो सेक नहीं आती आपको? ब्रेड से एकदम फटाफट एक फीका बनाए, इसमें नींबू डालो, नींबू। हाँ अच्छा तुम नींबू नहीं डाले? अरे गधो मेरे हिस्से की तो खा गया मैं एक। कोई बात नहीं, हम एक बिना नींबू और खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी काट तेजी। अरे तू तो खा लिया, अब तो क्या इसके ऊपर डालूंगा क्या? थोड़ा सा इसके ऊपर, अरे खराब हो जाएगा।